back to my channel. How are you all doing? I hope you are doing good. So I'm back again with one more haul video. और जैसा कि आप टाइटल से पढ़ ही चुके हैं that it is going to be फुटवेयर एंड हैंडबैग्स फ्रॉम Amazon अंडर ₹600 ओनली. तो 600 से एक भी रुपए ऊपर नहीं रहेगा. आई प्रॉमिस यू. ये जितनी भी चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ इट इज ओनली अंडर ₹600. तो आई गेस कि बहुत ही ऐसे विन विन वाली सिचुएशन होने वाली है बिकॉज इतने अच्छे हैंडबैग प्लस फुटवेयर 600 के अंदर एकदम डील ऑन डील है. सो यस, नाउ विदाउट एनी फर्दर बकबक लेट्स जंप इनटू द वीडियो. So now first in this haul is this brown color shoulder bag that I actually like a lot. इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी आई है, प्लस इसमें आपको ये रेप्टाइल प्रिंट मिल जाता है और काफ़ी ग्लॉसी हैंड बैग है. ये ना बिल्कुल भी ऐसे चीप टाइप का नहीं लग रहा है कि कुछ कुछ हैंड बैग ऐसे रहते हैं ना कि दिखने में ही बहुत बेकार से दिखते हैं. ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है. एंड ब्राउन मैंने इसलिए चूज़ करा था बिकॉज ब्राउन इज समथिंग कि आप कोई भी ड्रेस के साथ इसको स्टाइल कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इसी में आपको और आई गेस 15 to 16 डिफरेंट प्रिंट पैटर्न सब कुछ मिल जाते हैं. सो इफ अगर आपको ये वाला नहीं पसंद आए तो आप दूसरे में भी चूज़ कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें इसकी स्पेस की तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. अभी मेरा सामान भी इसमें रखा हुआ है, मतलब मेरे से तो सबर ही नहीं हुआ, मैं तो यूज़ भी करने लग गई. बट हाँ जी, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. अंदर की साइड आपको यहाँ पर एक पॉकेट और मिल जाती है जिसमें आप आराम से अपना कुछ भी ऐसे इम्पोर्टेंट सामान है तो वो रख सकते हैं. ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा पर्स है. क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है और स्पेस वाइज भी बहुत अच्छा है. 4 बार एक ही बात बोल चुकी हूँ, बट हाँ जी, दैट वाज इट फॉर दिस हैंडबैग. एंड दिस वन आई गॉट इट फॉर ₹446 ओनली. 446. Now moving forward, all number 2, I have this brown flat chappals and I am in the size 6. हालांकि size बताने का कोई मतलब नहीं क्योंकि सब अपने अपने size से लेंगे, but still I am in the size 6 and this fits perfectly to me. This is very comfortable. इसका material भी बहुत ज़्यादा अच्छा है and best part is कि ये water resistant भी है and काफ़ी ज़्यादा flexible भी है. और मैं ये पहनने पे बिल्कुल भी ऐसे हैवी नहीं लग रही. मैंने देखा है मोस्टली अगर आप ऐसे ना सस्ती वाली चप्पल्स मंगाओ तो वो पहनने पे बहुत ज़्यादा हैवी लगती है कि ऐसा लगता है कुछ भारी भारी सा बांध दिया हो पैर में. बट दिस इज़ वेरी लाइट वेट एंड वेरी कंफर्टेबल. हालांकि इसमें ऐसी कुछ ज़्यादा कुशनिंग तो नहीं है, बट फिर भी ये पहनने पर ना ऐसे हार्ड नहीं लग रही है. इसका सोल वगैरह भी काफ़ी कंफर्ट ही है. एंड ऑल्सो आई गॉट दिस इन कलर ब्राउन, बट अगर आपको ये ब्राउन कलर नहीं पसंद आए तो यही वाली फुटवेयर आपको और 5-6 कलर में मिल जाती है. सो यू कैन चूज दिस फुटवेयर इन दैट कलर टू. एंड येस, प्रीटी मच दैट्स इट. ये स्लाइड ऑन चप्पल्स मुझे तो बहुत पसंद आती है क्योंकि कहीं पर भी जाओ, पट से पैर डालो और रेडी. अनलाइक वो हील के स्ट्रैप बांधो और ये वो. सो आई लाइक दीज चप्पल्स अलॉट. एकदम गो टू चप्पल है एंड इनका प्राइस भी बहुत अच्छा है. सो दिस वन आई गॉट इट फॉर ₹299 ओनली. सो नाउ ऑन नंबर 3 आई हैव दिस सेमी ओवल ग्रे कलर हैंडबैग. अब ये मुझे पसंद भी आया और पसंद नहीं भी आया. आई एम डाइसी. जब मैं इसको ना ले रही थी उस टाइम पे भी मैं डाइसी थी और अभी भी मैं डाइसी हूँ. आई डोंट नो. हालांकि शेप वगैरह वाइज तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि शेप के हिसाब से तो ये काफ़ी न्यू है और इस टाइप का शेप का हैंडबैग मेरे पास था भी नहीं. सो उसके हिसाब से अगर देखें तो 10/10. बट अगर ये स्ट्रैप के हिसाब से देखें तो आई वॉन्टेड अ लिटिल ऐसे पतला सा थोड़ा वैसा वाला स्ट्रैप, तो वो वाली स्ट्रैप मुझे पसंद नहीं आई. सो येस, बट हाँ जी, अगर आप लेना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली बाई इट. मैंने तो ले ही लिया है तो अब मैं भी यूज़ ही करूँगी. खैर, बट हाँ, अगर हम स्पेस की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. इसमें भी आप आराम से अपनी चीज़ें सेटल कर सकते हैं, जो भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो आराम से आ जाएंगी. एंड यस, इस वाले हैंडबैग में आपको 4-5 कलर मिल जाते हैं. तो अगर आपको ग्रे कलर नहीं पसंद आ रहा है तो आप कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं. एंड ऑल्सो ये आपको हल्का से शाइन इफेक्ट में मिल जाता है. आई डोंट नो अभी दिख रहा है कि नहीं, बट हाँ, हल्का से शाइन इफेक्ट में आ जाता है. तो ये काफ़ी ऐसे पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं. अब इससे ज़्यादा इसके बारे में क्या बोलना है मुझे समझ नहीं आ रहा है. बट आपको अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड यस, दैट वाज इट फॉर दिस हैंडबैग. नाउ दिस वन आई गॉट इट for ₹446. So now moving forward, on number 4 I have this blue color handbag and this matches my dress also. So I am really very satisfied with this handbag. This is my most favorite in this haul. बिकॉज इसकी क्वालिटी इज एकदम टॉप नॉच. दिस इज वेरी स्पेशियस एंड इसका ये जो कलर आया ना ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. मतलब ना कहीं से कहीं तक इसमें मैं बुराई निकाल ही नहीं पा रही हूँ, कैसे भी नहीं. एकदम परफेक्ट हैंडबैग है. प्लस पीछे साइड भी आपको एक और इसमें जिप क्लोजर मिल जाता है जिसमें आप एकदम अर्जेंट एक्सेस वाली चीज़ें रख सकते हैं. एंड बीच में तो ये इतना बड़ा जिप क्लोजर है ही, तो वहाँ तो आराम से चीज़ें सेटल डाउन हो ही सकती हैं. प्लस ये चेन भी आपको इसमें मिल जाती है एज अ स्टाइल एलिमेंट. ऑल इन ऑल ये वाला हैंडबैग बहुत ज़्यादा सुंदर है. इसमें भी आपको और 9 to 10 कलर कलर चॉइसेस मिल जाते हैं जिसमें से आप इस हैंडबैग को चूज कर सकते हैं. बट यस, ब्लू इज समथिंग जो मेरे पास नहीं था. प्लस ब्लू भी एक ऐसा कलर है जो आप मोस्टली आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ब्लू में इसको पिक करा. एंड आई थिंक मेरा डिसीजन एकदम सही रहा बिकॉज ये कलर बहुत ज़्यादा सुंदर आया है. मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. इसमें आपको हल्का सा ना एक ऐसा ग्लॉस इफेक्ट भी मिल रहा है जिसकी वजह से ये और प्रीमियम लग रहा है. सो यस, ऑल एंड ऑल ये वाला हैंडबैग इज माई मोस्ट फेवरेट हैंडबैग इन दिस हॉल. एंड अगर बात करें इसकी मटेरियल की तो ये आपको फॉक्स लेदर का मिल जाता है. And yes, pretty much that's it. Now this one I got it for ₹399 only. 399 में you are getting इतना अच्छा बैग. God, come on, जल्दी से जाके ले लो अभी की अभी. The link are in the description box. And now finally the last product of our haul video, which is the star product of this haul. I am talking about this वाइट फुटवेयर विच आई एब्सोल्युटली लव. और ये एकदम पैसा वसूल फुटवेयर है. आई स्वेयर ऑन गॉड, पैसा वसूल. सो यस, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. इसमें आपको अच्छी खासी हील मिल जाती है जो कि एक्रेलिक मटेरियल की है. एंड दिस लुक्स अमेजिंग. सामने से आपको ये डबल स्ट्रैप पैटर्न में मिल जाता है एंड इस पे पूरा ये राइनस्टोन डिटेलिंग आपको मिल जाती है. वाइट इज समथिंग जो आप मोस्टली ड्रेसेस पे पहन सकते हैं एंड दिस विल लुक अमेजिंग. और वैसे भी आप देख ही सकते हैं क्या पहनने पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है. जो सामने से इसका टो है वो भी आपको स्क्वायर टो मिल जाता है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है. ऑल एंड ऑल ये वाली जो फुटवेयर है दिस इज अ मस्ट बाय प्रोडक्ट. आई एम टेलिंग यू दिस इज अ मस्ट बाय प्रोडक्ट एंड यू विल नॉट रिग्रेट आफ्टर बाइंग दिस. और अगर आपको ये वाइट कलर नहीं पसंद आया तो आई गेस इसमें और 2-3 कलर्स थे. एक तो ब्लैक था, एक आई गेस रेड वॉज ऑल्सो देयर. सो यस, इफ यू आर नॉट लाइकिंग व्हाइट सो आप दूसरे कलर में से भी इसको पिक कर सकते हैं. बट ये वाली तो देखो खरीद ही लेना, मैं बता रही हूँ. एंड दिस इज true to साइज. अगेन आई एम साइज 6 एंड ये 6 पे एकदम परफेक्ट मुझे बनी है. एंड ऑल्सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कुशनिंग एंड द कम्फर्ट ऑफ द फुटवेयर. तो ये वाली जो फुटवेयर है इट इज़ वेरी कंफर्टेबल. जो कुशनिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे तो नहीं मिलती एकदम क्या बोलेंगे ऐसे स्पॉन्ज टाइप की, बट स्टिल इट इज़ नाइस कि आपके पैर को अच्छे से सपोर्ट दे रहा है एंड आप कंफर्टेबल भी फील कर रहे हो. एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा यू नो पैर पे बहुत स्ट्रेस नहीं आ रहा है. So yes, all in all, I like this footwear and this one I got it for ₹599. I know 599 वैसे बड़ा amount है, but for this beautiful footwear बहुत ही सस्ते में मिल रही है. So yes, 599 only है, तो जल्दी से जाओ और खरीद लेना. And yes, pretty much that was it for our today's haul. I really hope that you liked all the handbags and footwears that I showed you. If you want more of such haul videos, do let me know in the comment section down below. And also ये भी बता देना और कौन-कौन से आपको haul videos देखना है. And I will definitely make it for you guys. And yeah, if you like any of these products, the products are mentioned in my description box, so definitely go and check it out. And if you like this video, give it a big thumbs up, like, share, comment and subscribe to my channel. And I will see you all next time. Till then, bye bye, see you, and I love you like always.